हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैंने क्लोविया से कुछ शॉपिंग करी थी, सो अभी वो बॉक्स रिसीव हुआ है। सो दिस इज़ द बॉक्स। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, अच्छी खासी है। अंदर की पैकेजिंग देखते हैं कि कैसी है। सो ये मैंने ऑर्डर प्लेस करा था, आई थिंक मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगी, देख के कब करा था अभी याद नहीं मेरे को, लेकिन आ गया है। मतलब थोड़ा मुझे लग रहा था टाइम डिले होगा। ऑब्वियसली आप समझते हैं, ये जो बॉक्स इनका आता है ये इसी तरीके की फैंसी बॉक्स में आता है, जिसमें लिखा है हेल यस। और ये रहा क्लोविया का बॉक्स, ये इसी बॉक्स में, इसी तरीके के बॉक्स में आता है। इसमें काफ़ी सारे आइटम हैं, इसमें कुछ आइटम ऐसे भी है जिसको मैं रिव्यू पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। अदरवाइज़ तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं। सो हाँ, तो ये बॉक्स कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है। सो लेट्स अनबॉक्स कि अंदर कैसे आइटम आए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पहले का जो हमने क्लोविया की शॉपिंग करी थी उसकी क्वालिटी कैसी है डेली यूज़ करने के बाद। सो आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि वो ऑब्वियसली खेल रही है, क्योंकि उसको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ नहीं करने लगी वो मुझे। इसमें चिपक गया ये। तो हाँ, ये सारी की सारी इसमें मुझे ब्रास ऑर्डर करी है मैंने। ये 799 की सेम है, 799 में 4 ब्रास प्लस 1 स्ट्रैप्स एंड 2 पेंटिस फ्री, शायद यही उनका लोगो था। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। मैं सबको सेपरेट करके मैं आपको फिर वन बाय वन दिखाऊंगी। ये रहा फर्स्ट ब्रा, ऑब्वियसली स्ट्रैपलेस, जो कि मैं यूज़ नहीं करती, बहुत सारे पड़े हुए हैं। और ये सेकेंड ब्रा, थर्ड वन, फोर्थ, आई थिंक पैटर्न सेम आ गया है, कलर डिफरेंस है। आई थिंक ये है पैंटी, हाँ दोनों सेम कलर की आई है। आई थिंक इनको कुछ डिफरेंट देना चाहिए था, क्योंकि मुझे सेम कलर की आ गई, तो क्या बोलूँ। फ्री की चीज़ तो आप वैसे भी इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते, आपको जो मिला आपको एज इट इज करनी पड़ेगी यूज़। और ये है क्लोविया का स्पेशली गल पल, यस हाँ, रैश फ्री पैड्स फॉर हैवी ब्लीडिंग, 10 पैड्स, एक्स्ट्रा लार्ज मैंने लिया है इसका साइज़। एक्स्ट्रा लार्ज मुझे मैंने ली नहीं है, जानबूझ के मैंने एक्स्ट्रा लार्ज लिया है। सो ये जो बॉक्स है, मैं आपको आई थिंक 1 मंथ के बाद मैं आपको प्रॉपर इसका रिव्यू करके बताऊँगी, क्योंकि मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा तो ही मुझे पता चलेगा। अदरवाइज आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, किस तरीके की पैकेजिंग में आया है ये। बहुत ही सिंपल पैकेजिंग है, बिल्कुल वाइट, और इसमें 10 पैड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस इट्स अ 10 पैड। तो मैं इसका नेक्स्ट मंथ रिव्यू करती हूँ प्रॉपर, तो मैं आपको बताऊँगी कि कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं है। सो ये तो इसका रिव्यू तो बताऊँगा, ये तो एज इट इज़ आप देख सकते हैं, गल पल का है, रैश फ्री है, लेट्स सी कितना काम करता है। और मैंने इसके साथ एक एक्टिव वेयर भी लिया था, सो ये रहा। सो चलिए वन बाय वन अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बॉक्स को मैं ऑब्वियसली फेंक दूंगी, क्योंकि ये मेरे कोई काम का नहीं है, बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे रखे पड़े हैं। तो फर्स्ट जो है वो ये है एक्टिव वेयर। मुझे इसमें काफ़ी अच्छा आई थिंक इसका बिल नहीं है, एंड आई एम नॉट सो मच हैप्पी। अगर ये इसमें लिटरली अगर आपने बिल नहीं दिया है तो ये बहुत ही बेकार बात है। ये रहा, आपने बिल यहाँ पे दे दिया, ये तो ऐसे बिल होता है, अंदर भी ओरिजिनल बिल होना चाहिए था इनका। ये मुझे बिल्कुल भी इनका तरीका अच्छा नहीं लगा। और ये तो सारे कपड़े हैं, हाँ तो कोई इस बार का कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं दिया है इन लोगों ने। और मैंने 1299 के आसपास की शॉपिंग करी थी, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था, तो मुझे 1299 तक लेके जाने के लिए एक इसको परचेज करना पड़ गया था। तो देखते हैं किस तरीके का प्रोडक्ट आया है। ये कुछ ऐसा है, और जिसकी MRP है वो 799 की, लेकिन मुझे डिस्काउंट 399 का पड़ा था ये। तो ये रहा, ये कुछ ऐसा है, ये रबर है ऑब्वियसली इसमें, और ये मैंने एस साइज लिया था। सो इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है, ठीक है क्वालिटी, बहुत कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है,
और इसमें ऑब्वियसली ये लोगो है, शायद ये क्लोविया का ही लोगो है, ये देख सकते हैं। और ऑब्वियसली दो दो पॉकेट है। मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको मैं यूज़ करके देखूंगी कि कितना अच्छा आगे तक रहेगा। अदरवाइज बहुत अच्छा कपड़ा है, देख सकते हैं आप। यहाँ नी लेंथ का है, मतलब नी लेंथ से थोड़ा सा होगा, आई थिंक वन थर्ड सॉरी 3/4 का, सॉरी ये रहा, कुछ ऐसा है। तो दिस इज साइज एस, और एस साइज भी अच्छा खासा बड़ा है, आई थिंक अच्छा हुआ मैंने एम साइज नहीं दिया, वो ना बहुत बड़ा आता मेरे घर को। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रा जो मैं ओपन करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, और मैंने कैश करो से लिया था तो उसमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है उनके तरफ से। तो और ये है, ये ब्रा है आई थिंक 36D रेड कलर। ऑब्वियसली अभी मैं डिलीवरी के बाद पैडेड बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। और ये कुछ ऐसा है, ये डेली वेयर के लिए मैंने लिया है, और मुझे फुल कवरेज के लिए चाहिए था, फुल कवरेज होना चाहिए था, तो ये कुछ इस तरीके के आया है। ये फुल कवरेज आपको देगा, क्योंकि जब आप बीबी को फिट कराते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मुझे फुल कवरेज वाला ही चाहिए था। तो जो इसकी लेंथ है वो यहाँ तक आएगी, तो प्रॉपर आपके जो ब्रेस्ट है उसको सपोर्ट मिलेगा, ये बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। ये पैडेड नहीं है, सब नॉन पैडेड है। फर्स्ट वन ये है, और जो इसका प्राइस है आई थिंक 599 का, और 349 में डिस्काउंट के बाद मिल जाता है ये। और सेकेंड वन ये थोड़ा डिफरेंट लिया था मैंने, ये रहा, इसका भी साइज है 36D, और ये कुछ ऐसा मटेरियल है इसका। और ये बहुत ही डिफरेंट था, मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। सो ये रहा, इसमें आपको दो स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, ये रहा पीछे तक में आपको दो स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, ये रहा। सो इसकी भी कवरेज मैंने तो ली थी, लेकिन आई थिंक थोड़ी डीप आएगी ये, सो मुझे इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके की आई है। अदरवाइज ये मटेरियल इसका भी सॉफ्ट है, इस तरीके के मटेरियल ख़राब नहीं होते। अदरवाइज क्लोविया का जो प्रीवियस है आपको दिखाऊंगी, उसका मटेरियल बहुत ही घटिया हो चुका है। सो अगर ऐसे ही अगर डेली यूज़ के बाद अगर मटेरियल ख़राब हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं क्लोविया से आगे शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मटेरियल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैं किसी और शॉपिंग साइट को ट्राई करूँगी, क्लोविया का तो नहीं करूँगी फिर मैं। और ये भी सेम है, ये भी आपको फुल कवरेज देगा। साइज़ मुझे ऐसा लगता है हाँ ये फुल कवरेज का है, तो इस साइज़ को लेके आप अच्छा खासा आपको कवरेज मिल जाएगा फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मॉम। और लोगों का मुझे नहीं पता, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पैडेड पहन सकते हैं, अभी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता पैडेड पहनने का। सो ये कुछ ऐसे, इसके स्ट्रैप्स भी बहुत बड़े हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे ये वाले, और आपके बैक स्ट्रैप भी देख सकते हैं अच्छे खासे बड़े हैं। सो ये भी 36D साइज में है ये। सो है ये ग्रीन कलर, दिस इज थर्ड वन और लास्ट है ये। मुझे एक्चुअली जो ऑप्शन थे क्लोविया पे 799 में वो ज़्यादा मिले नहीं, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी पहले परचेज कर चुकी हूँ वही सारे ऑप्शन सेम रिपीट थे, तो मैंने लिया नहीं, तो मुझे बहुत सर्च करके लेना पड़ा। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। सो हाँ ये भी, इसका भी कवरेज आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा है, तो ये जो इसका है ये कवरेज बहुत अच्छा आएगा, फिट अच्छा आएगा इसको, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैंने ट्राई करके नहीं देखा, लेट्स सी कि ट्राई करके कितना अच्छा होगा कितना अच्छा नहीं होगा, मैं आपको इसका रिव्यू बाद में दूंगी। सो ये नॉर्मल ब्राई है, इतना कुछ हाई फाई नहीं है इसमें, ये फोर्थ है। और ये ऑब्वियसली पैंटी है, फ्री मिली है तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि इनकी फ्री वाली पैंटी मुझे बिल्कुल फ्री लाइक ही लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती इनकी। पैटर्न भी बहुत ही क्लम्जी सा पैटर्न है, सो ठीक ठाक है। और इसका साइज़ है आई थिंक एम साइज ही मैंने ऑर्डर करा था, तो एम ही होना चाहिए, लिखा नहीं है। हाँ ये क्लोविया का एम साइज़ है, जो कि ऑब्वियसली आपको फ्री के साथ मिल सकता है। ये भी सेम पैटर्न है, तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो ये पूरा जो शॉपिंग हुई थी, और ये ऑब्वियसली स्ट्रैपलेस स्ट्रैप जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स होते हैं वो फ्री मिले हैं, जो मेरे किसी काम के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो प्रीवियस मैंने क्लोविया से शॉपिंग करी थी उसमें आप देख सकते हैं, आपको दूर से आराम से दिख रहा होगा ये क्या है, क्वालिटी आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये डेली यूज़ में मैंने यूज़ करा था, और इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी हो रखी है जो कि पथेटिक है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कि काफ़ी मैं आई थिंक यहीं पर ही मैंने परचेज़ करा था, और यहाँ पर आए हुए मुझे आई थिंक 2 मंथ हुए हैं,
पुणे आए हुए, सो 2 month के बाद इसकी कुछ हालत ऐसी हो रखी है, देख सकते हैं आप, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्वालिटी। अगर ये सेम क्वालिटी अगर इन सबकी निकलेगी तो मैं तो भैया क्लोविया से शॉपिंग करना बंद कर दूंगी, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली पैडेड नहीं है, ये सब दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये बिल्कुल मटेरियल सॉफ्ट है, बहुत अच्छा मटेरियल है, कवरेज भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसका बहुत ही सुंदर पैटर्न भी बहुत अच्छा था जो मैं पिछली बार 799 में लिया था। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं ये पूरा बबल से कैसे आ चुके हैं, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ये क्वालिटी, जब इस तरीके का पैटर्न आपके ब्रा में आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि उसका जो पैटर्न है या फिर जो भी कपड़ा है वो बहुत ही घटिया है, तभी ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जो अगर आप थोड़े कॉस्टली चीज़ें खरीदेंगे तो उसमें ऐसे ये इस तरीके के रोए नहीं आते हैं। सो आई होप आपको वीडियो मेरा आज का यूज़फुल लगा हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।